हेलो एवरी वन वेलकम टू करियर क्रेडेंशियल माई नेम इज प्रशांत झा द थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस बाय द इंटरव्यूअर इन मशीन लर्निंग दैट इज वट इज द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग का यूज करके हम किस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं और बहुत सारे कैटेगरीज में चीजें डेवलप की जाती है बट उसमें से कुछ कैटेगरीज आपको इंटरव्यू में बताने हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ई मेल स्पैम डिटेक्शन ई मेल स्पैम डिटेक्शन आपने देखा है कि वहाँ पे जो भी आपके इनकमिंग मेल्स होते हैं आपका जी मेल ऑलरेडी ये चीज आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसको इनबॉक्स में डालना है

फोर्थ आपका एप्पल सीरी या अमेजो एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट जो भी आपने यूज किया हो फिफ्थ आपका रिकमेंडेशन ऑफ यूट्यूब चैनल जो भी आप सर्च करते हैं आप देखेंगे कि उसी कॉन्टेक्स के रिलेटेड उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी अवेलेबल वीडियोस होंगे बैक टू बैक बैक टू बैक आपको सारे रिकमेंड होना चालू हो जाते हैं या सेम इंस्टाग्राम पे भी जो स्टोरी स्टोरी की जगह जो आप पोस्ट लाइक like करते हैं या ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो चीजें ज्यादा से ज्यादा आपको रिकमेंड होना चालू हो जाती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस कॉन्टेक्ट से रिलेटेड चीजें ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड होती है आपको देन सेंटिमेंट एनालिसिस इन लिंग यू ऑल्सो सी कि भी आपको कोई अगर मैसेज आपको किसी ने मैसेज किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके मैसेजेस रेडी रहते हैं कि उसको क्या रिप्लाई देना है दैट इज की बेस्ड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स मैसेज आपके पास आया है उसके बेस पे आपका रिप्लाई थोड़ा बहुत रेडी रहता है आपके सेंटिमेंट्स को चीजों को समझ करके जो इमोजीज होते हैं या टेक्सचुअल पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं रेडी रहता है जो आप डायरेक्टली विदाउट टाइपिंग भी आप उसको शूट कर सकते हैं सो दीज आर द मेनी मोर एरियाज और इसके अलावा भी बहुत सारी एरियाज है जहां पे हम लोग जो है कि मशीन लर्निंग का यूज करते हैं सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड गिव अ रियल टाइम एग्जांपल और रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आती है आई होप यू गैस हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन थैंक यू